नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज 24 में। मैं जानवी, आइए चलते हैं झांसी की कुछ खास खबरों की ओर। बबीना ब्लॉक के इमलिया गांव में इन दिनों पानी, सड़क सफाई ना होने से नाराज दिखाई दे रहे हैं। इमलिया गांव के ग्रामीण लोग की यह समस्या आम हो गई है। वहां के लोग ने मन बना लिया है कि इस बार युवा प्रधान चुनना है, जिससे गाँव का विकास हो सके। हमारी टीम ने बात की युवा प्रत्याशी व ग्रामीणों से, सुनिए इनकी जुबानी। झांसी से संवाददाता मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की कुछ खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मनीष अली। हम खड़े हैं बबीना ब्लॉक के इमरिया गांव में। हमारे साथ हैं प्रत्याशी प्रवीण साहू जी, जो कि प्रत्याशी हैं ग्राम प्रधान के। आइए हम जानेंगे उनसे किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आप उतरे हैं, क्या क्या समस्याएँ हैं इनकी गाँव की, क्या क्या दूर करेंगे इन ग्रामवासियों की। प्रवीण जी, ये किस प्रकार की समस्याएं हैं गांव की और क्या समस्या है, दूर करेंगे आप? देखिए, मेरा नाम प्रवीण साहू है। हमारे गांव में एक तो शिक्षा का बहुत ही कम विकास है। हमारे यहाँ जो है अशिक्षित लोग ज़्यादा हैं, इसलिए हम शिक्षा पे सबसे ज़्यादा जोर देंगे। और बहुत सारी समस्याएं किसानों की, कि जैसे अभी ये देखिए सर, नल टूटा हुआ पड़ा है हमारे यहाँ। नल ऐसे पड़े हुए हैं, कई सारे पूरे गाँव में पड़े हुए हैं। पहले पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए गांव वालों को पानी का सुविधा कराएंगे। और जैसे ये जानवर घूम रहे हैं, इन लोगों को गौशाला बनाने का कार्य करेंगे। और हमारे यहाँ कभी सालों से ये नालियाँ साफ नहीं हुई हैं, कई वर्षों से पूरी नालियाँ ऐसी खाली पड़ी हुई हैं, भरी पड़ी हुई हैं, पूरी जाम है नालियाँ। इनका सफाई वफाई कराएंगे, किसानों को सुविधा देंगे और शिक्षा पे अधिकतर जोर देंगे। अच्छा जी, बताइए जो मौजूदा प्रधान थे, उनने अभी तक क्या क्या कराया, क्या गौशालाएं नहीं बनवाई हैं? क्योंकि योगी जी की एक योजना थी कि गौशाला बनाने की, क्या आपके गांव में गौशाला बनी है क्या? नहीं, अभी तो हमारे गांव में कोई गौशाला नहीं है, ऐसा अभी कोई हम लोगों को जानकारी भी नहीं दी गई। क्योंकि यहां पे देखिए किसान लोग हैं, जब तक किसानों को जानकारी नहीं दी जाएगी तो पता कैसे चलेगा। कोई जानकारी है ही नहीं किसानों को, कि कोई यानी कि कोई जानकारी देते ही नहीं है भाई। यानी मौजूदा जो प्रधान थे, कोई जानकारी नहीं देते थे आप लोग की समस्या जो आप लोग लेके जाते थे, क्या दूर करते थे? नहीं, हम लोगों को तो अभी तो हमारे किसानों को कोई वो ऐसा नहीं लगा कि कोई विकास हुआ हो, क्योंकि हम खुद ही देख रहे हैं हमारे यहाँ नल ये पड़े हुए हैं, खाली नालियाँ देखिए आप सर, नालियों के बाहर पानी जा रहा है। तो क्या आप प्रधानी जीतते हैं तो क्या करेंगे? अगर मैं हमें जनता अगर लाइक करती है और जनता मुझे जिताती है तो मैं ये सारी समस्याएँ सॉल्व करूँगा। लेकिन ये मैं फिर भी कहूँगा शिक्षा पे ज़्यादा जोर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अशिक्षित तो लोग पड़े हुए हैं, शिक्षा का बहुत ही कम विकास है। अच्छा, आपके यहाँ सड़कों का क्या हाल है? सड़कों का तो देखिए सर, हमारे यहाँ ठीक है, लेकिन नालियों की बहुत बुरी हालत पड़ी हुई है। इस टाइम नालियाँ पूरी जाम पड़ी हुई हैं, ये नालियों का देखिए पूरी जाम पड़ी हुई हैं, नालियों के बाहर पानी जा रहा है। यानी गाँव का विकास अभी तक नहीं हुआ, और आप जीतने पर जो जनता आपको प्रधान बनाती है तो आप पूरा जोर लगाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जनता यानी कि ये मानिए जनता प्रधान है, हम प्रधान नहीं हैं, हम जनता प्रधान बनाएंगे और जनता से ही अपना प्रस्ताव रखेंगे, जिस प्रकार से जनता चलाएगी ऐसा ही प्रधान बनेंगे कि जनता के द्वारा काम किया जाए। अच्छा, आपका नाम क्या है? विकास नाम की कुछ चीज़ देख रहे हैं गांव में? अभी विकास कुछ हुआ नहीं हमारे गांव में। अच्छा, हाँ। तो आपके गांव में नालियाँ सब कैसे? नाली सब बुक हुई है, नालियाँ ना तो साफ होती हैं कभी, ना हो रही हैं। अब कोई नया बनेगा सोचते हैं, नया युवा आएगा तो विकास करेगा, इसलिए युवा प्रधान चाहते हो आप लोग? नाम रामेश्वर मिश्रा जी। बताओ, गांव का विकास हुआ है कि नहीं? अरे पहले से काफ़ी अंतर आया, विकास तो हुआ है, लेकिन जो हिसाब से विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। अच्छा, तमाम पानी मानी की समस्या ज़्यादा है हमारे यहाँ, क्योंकि नल वाल लेना है नहीं तो, और जो हेड पंप है वो बीच गलत मिल बीच खाले खराब कर। जो प्रधान थे उनके पास शिकायत करी थी? एक भी नहीं, 50 भी पहले सुधरा जाए, खराब हो जाए तमाम सुधरा दे खराब हो जाए। और ज़्यादा विशेष और पढ़ाई है तो कहो स्कूल 12 बजे तो कहो 1 बजे खुले। अच्छा, तो बेंच 2 बजे भरे जाए। अच्छा, तो सब प्रधान के ऊपर है डिपेंड, प्रधान देखे कि समय से कोई काम हो रहा है, लाइट समय से आ रही कि नहीं, लाइट की अभी बहुत सुविधा है, लाइट हुआ है पास थोड़ी, और खेती पाती की जैसे फसल है अच्छे भाव मिले बेचे,
तो ये चाहते हो, तो कैसा प्रधान चाहते हो आप? युवा प्रधान तो चल जी, अबे जी पुराने प्रधान भाई प्रधान बन गया, दूध बेच भी चलेगा जान, विकास का करें बेचारी। तो यहाँ पर जो युवा प्रधान यहाँ के लोग चाहते हैं और चाहते हैं कि यहाँ की समस्याएं दूर हों जिससे यहाँ का विकास हो सके। मनीष अली, ब्रजेश परियार के साथ।